हे गाइस, वेलकम है मेरे और नए व्लॉग में। कैसे हो आप सभी लोग? आप लोगों ने मेरी शॉर्ट वीडियो देख ली होगी अरबी के पत्ते वाली। तो पतिदेव देखो आ गए हैं, इन्होंने मुझे रेसिपी बता दी है। वैसे इसके पहले मैंने मौसी से अपने पूछ लिया है, किसी से कांटेक्ट नहीं हो पा रहा था तो मौसी से पूछ लिया। अभी मैं बनाऊंगी फिर आप लोगों से शेयर करूंगी। और आज है 26 तारीख और 8 बज रहे हैं, मैं रात के 8 बजे व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। ओके, बने रहे मेरे व्लॉग में, देखिए मैं अरबी के पत्ते बनाने में सफल होती हूँ कि नहीं। ओके बाय बाय। इनको अरे यार ये तो मम्मा क्या बना रहे हो? अरबी के पकोड़े। बहुत अच्छे लगते, 3 एक्स्ट्रा बना देना। गाइस फर्स्ट टाइम टाइम आ रहा हूँ, आगे देखता हूँ। खाना बनने के लिए बोलो, चलो गो कर दिया। तो गाइस देखो मैं कैसे बना रही हूँ। ऐसे ही बनाते हैं क्या? कमेंट में जरूर बताना। पता नहीं कैसे बनाते हैं, देख बताओ। मैंने आँख से भी वहाँ नहीं देखा ढंग से। अब इसको लपेटूं? हाँ जी मम्मा, दादी कैसे बनाते हैं? दादी दादी पता नहीं कैसे बनाती है। ऐसे लपेटते हैं, फिर टुकड़े करते हैं, फिर तल लेते हैं। हाँ बन गया मेरा सहीड़ा। ओह माय गॉड। देखो सासू माँ जी कमेंट में बताना कैसा सहीना बना है, आपकी बहू ने बनाया है। दीदी बता देना ठीक कि मेरे को आता सहीना बनाने का नहीं। ए देखो मैं भी सीख गई हूँ क्योंकि मुझे भी बनाना चाहिए ना। अब देखो ये पत्ता रखेंगे गाइस, इसमें लगाएंगे बेसन। ये बेसन में मैंने हल्दी नमक मिर्च और खटाई का मसाला मिलाया है, मेरे पति देव ने बताया है। ओके, वैसे मौसी ने भी बताया था मेरे को। अब इसमें ये बेसन फिर लगाऊंगा, ऐसे सहीड़ा बनाऊंगा भैया। हाँ तो गाइस मैं कितने दिन गई थी पत्ते लेने, तो मिले नहीं थे, तो आज मेरे को मिले हैं पत्ते। तो मैं गई थी किसी काम से, मेरी मौसी की लड़की आई थी उसके साथ मार्केट गई थी, तो मेरे को पत्ता दिख गया तो मैं ले आया और मैं अब बना रहा हूँ। ठीक है देखो कैसे बनते हैं, चलो पूरा बना के मिलती हूँ। आपने तो देख ही लिया मैं कैसे बना रही हूँ। तो गाइस ये अरबी के पत्ते के डंठल हैं, इसको दाल के साथ बनाते हैं, उड़द की दाल के साथ, सपहिता जैसे बनता है ना पालक की दाल, पालक और दाल का, वैसे ही बहुत टेस्टी लगता है। मैंने पहली बार अपने ससुराल में खाया था, मेरी सासू माँ बनाते हैं। तो मैंने जब अरबी के पत्ते के पकोड़े बनाए, अभी उबल रहा है तो मैंने सोचा ये भी कर लेती हूँ, तो ये लंच में कल दोपहर में दाल चावल बन जाएगा। और अरबी के पत्ते बनाए, ये मेरे हस्बैंड नहा रहे थे, मुझे क्या पता कि टाइट लपेटना ढीले, मतलब मैंने इतना गौर नहीं किया बनाते हैं वो लोग, तो फिर मैंने ढीले ढीले लपेटे तो ढीले डाले थे तो ये चिल्ला रहे थे बहुत। अब देखते हैं बनता है कि नहीं, अगर अच्छे से बन गया तो मैं नेक्स्ट टाइम फिर बनाऊंगी। अच्छा लगता है यार गाइस, आना चाहिए ना जब मन करे बना के खा लूँ। वैसे ईजी है, फर्स्ट टाइम थोड़ा बहुत हो गया जो हो गया, अब मुझे थोड़ा आइडिया हो गया है। तो चलिए अब ये बहुत देर से कर रही हूँ, ये ख़त्म ही नहीं हो रहा, मैं कैसे करूँ छील छाल के। चलिए आप लोगों से मिलती थोड़ी। तो गाइस देखिए पक गए हैं ये, ठीक से लपेट नहीं पाई मैं, ये देख चम्मच जा रहा अंदर तक, अब इसको मैं निकाल लूँ। तो गाइस देखिए डिनर में क्या बना है, चिकन, यम्मी से मस्त से चिकन बने हैं। अब मैं इसको रखूँगी फ्रिज में, भाई थाली तो बहुत गर्म है यार, उठ भी नहीं रहा, ताकि टाइट हो जाए ताकि सुबह तलने में ना एकदम आसान रहे, है ना गाइस। इसको फ्रिज में रख देंगे ताकि टाइट टाइट रहे, लीटा गोटा हो गया एकदम। हे गाइस गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप सभी लोग? आई होप बहुत बहुत अच्छे होंगे। तो हो गया है नेक्स्ट डे, तो कल आपने देख लिया होगा मैंने अरबी के पकोड़े बनाए पूरी तरह से नहीं, बस उसको उबाल के रख दिया था, अब उसको मैं फ्राई करूंगी। नहा धो लिया है, घर का सारा काम कर लिया, आज संडे था, उठ तो 7 ही बजे गई थी मगर लेटी रही, फ़ोन चलाती रही, आना भी, मैंने कहा चलो आज संडे आराम से उठेंगे, तो ये तो खाना वाना खा के चले गए थे, रात का चिकन था बस रोटी बना दी थी तो खा के चले गए थे। फिर हम उठे 9 बजे दोनों, मतलब लेटे ही रहे, सोए तो नहीं। फिर मैं थोड़ी सफाई की और कपड़े धोए, नहाया, थोड़ी क्या ज़्यादा ही सफाई की, ज़्यादा ही कपड़े थे, और क्योंकि कल कर नहीं पाई थी, कल का सारा दिन मेरा
कल का मैंने शूट नहीं किया, बट कल सारा दिन मेरा बस जैसे कि मार्केट गई थी ममता के साथ, फिर वहाँ से आई, फिर मतलब ऐसे ऐसे निकल गया, मतलब कुछ ज़्यादा कर नहीं पाई घर में। तो बस अब चलते हैं अरबी के पकौड़े को फ्राई करते हैं, टेस्ट करते हैं कैसा बना है। और मैं एक और बात आप लोगों को बताती हूँ, देखो यहाँ देखो डेमो, पैर से ठीक से बैठ पहले, ठीक से हाँ नीचे करो पैर, हाँ ऐसे। तो गाइस देखो डेमो, ओनली सब्जी खा रही हैं, कल दोपहर को मैंने बनाया था लंच में आलू शिमला मिर्च की। उसका रीज़न क्या बताऊँ, शाम को हम खाना खा रहे थे तो इसको बोल रहे थे एक बाइट बेटा और खा लो, नहीं मैंने नहीं खाना, रोने लग जाती है खाना खाने, जैसे हम कहते हैं खा लो एक रोटी खा लो एक बाइट खा लो तो रोने लग जाएगी, तो हम खाना उस टाइम खाते होते और ये रोने लगती तो ना ऐसे मूड खराब होता, तो गुस्सा आता कि खाना वाना सब साइड रखे हम भी ना खाएं, तो बहुत मूड खराब करती है अपने पापा का मेरा भी। तो आज मैंने इसको भूखा रखा, सब्जी खा रही है, मतलब कि मैं उठी मैं सब काम बनता साफ सफाई कर लूँगी, कल रात में तुम रो रही थी खा नहीं रही थी, और हमेशा ऐसी करती है कुछ भी खिलाओ पिलाओ तो रोएगी रो के दिखाएगी, तो इस तरह मूड खराब होता बहुत गुस्सा आती है, मतलब होता नहीं कि खाते रहो खाना कोई रोए तो फिर, इसलिए आज इनकी ये हालत है। बज गए 11 और खाती हैं खाना सुबह 7 बजे 8 बजे, चलती हूँ इनको मैं पकौड़े तलवल के देती हूँ फिर खिलाती हूँ, और ऐसे करेंगी ना तो इनको ऐसे ही भूखा रखूँगी ताकि क्या कहते हैं ऐसे दोबारा करें ना। तो गाइस अभी इसको काट लेंगे, पता नहीं कैसे बने होंगे यार। और पता है गाइस अभी ममता फिर आएगी, वो कल ड्रेस लेके आई थी अपनी बेटी का, तो वो थोड़ा सा यहाँ से डैमेज कुछ था तो उसको चेंज कराना है, तो मुझे भी जाना है साथ में, तो कल से उसके साथ ही मैंने पत्ते खरीदे थे, तैयारी थी यार बनाए कि नहीं, रात में 9-10 बजे तक फोन करती थी, मैंने कहा नहीं बनाए तो अब बनाऊंगी, तो उसके लिए भी ले जाऊंगी, उसको भी टेस्ट कराऊंगी, पहले मैं खुद खाती हूँ इसकी 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 शक्ल देखो पहले। तो गाइज इसकी शक्ल तो बड़ी अच्छी लग रही है, थोड़ा लपेटने में गड़बड़ हो गया था, ढीले हो गए थे कहीं कहीं, बट नेक्स्ट टाइम ध्यान रखूंगी। मुझे ये नहीं समझ में आ रहा जैसे हम आलू की भुज्जी बनाते हमें वैसे फ्राई करना है या तेल में ऐसे निकालना है, ये समझ में नहीं आ रहा। तो चलिए एक पहले हम निकाल के देखते, हाथ में तेल लग गया, चलिए एक देखते हैं फिर, आई थिंक ऐसे नहीं पकाना मुझे ऐसा लगता है, रुको एक मिनट पूछती हूँ फोन करके। तो अब मैं ऐसे ही तलने वाली हूँ, देखते हैं, एक तो सुबह तले नहीं पति देव जी जब थे, नहीं तो वो बताते यार, मैंने बनाया नहीं है, बस बना लूँगी ना एक बार तो एक्सपर्ट हो जाऊँगी, अब उनके लिए। तो गाइस देखने में तो बहुत ही अच्छे लग रहे हैं, अब खाने का तो मैंने खाया था तो बहुत अच्छा लगा था, पता नहीं यार लहसुन में तलना था कि ऐसे छौंकना था क्या करना था, मैंने तो फ्राई कर डाला, अब इसको खाकर और अच्छे से खाकर बताती हूँ, ठीक है खाते हैं एक एक खाते रुको। मैं पास हो गई, बड़ा टेस्टी है ना, ना? तो गाइज हमने खा लिए पकोड़े, ये देखिए इतने बच गए, रख देंगे, और ये देखो क्या हो गया, मुझे पता ही नहीं चला कि खून निकल रहा है, ऐसे थोड़ा सा ये फोन रखा हुआ था मेरा ऐसे उसी पे ऐसे कोहनी लगी, इसका ग्लास कोने से टूटा है, उसी से बहुत सारा कट गया है, तो अब क्या करूं, देखो हाँ ना लगाओ इसमें। हे गाइस तो ममता आ गई है और मैं नहा के पकोड़े वगैरह खा के लेटी थी, उसने मुझे बोला कि कल तो मैं पहले ही नीचे खड़ी थी तो वो लेट आई, आज मैंने सोचा वो कॉल करते ही घर से निकलेगी, तो वो नीचे आकर खड़ी है, अब कॉल किया और मैं तैयार भी नहीं थी, ब्लॉग चालू है मेरा, तो उसके लिए पकोड़े ले लिए थोड़े से, और ये देखो उसका ऑटो आना को भी ऐसी बना के ले आई, पहले बोलना चाहिए ना, बड़ी हीरोइन बन रही है। ए अजय तो कह रहा मायरा भी है यहाँ पे, आजकल लोगों को बड़ी चिड़न मच रही है, अगर मैं चश्मा लगा रही तो प्रॉब्लम हो रही है, मॉल में अगर अच्छे से बन के जाती तो प्रॉब्लम होती है, बंदे को पता नहीं क्या प्रॉब्लम थी, बंदे सोचते हैं कि जैसे हम कबाड़ी रहते हैं वैसे हम भी कबाड़ी रहे। पता है गाइस मेरी बात सुनो, मेरे कहने का मतलब ये है कि जियो और जीने दो, ये देखिए बर्बाद हो जाते हैं ना, पता नहीं क्या बर्बाद। गाइस कहने का मतलब ये है कि कोई कैसे भी रहे किसी से क्या लेने देना, अपनी अपनी लाइफ जियो, किसी की लाइफ में इंटरफेयर ना करो, और सबको अपनी अपनी लाइफ जीने का हक है, तो फालतू में किसी को देखते जायज करना। और ये देखो ये दिखा रही है जो ड्रेस हम रिटर्न करने जा रहे हैं, अब पता नहीं वो रिटर्न करेगा कि नहीं, इतने पहने फोन करके ना मेरे को सब सही लगा जो ये देखते, मैं इसको प्यारी लगी ना ये, हाँ कहाँ
खिलाता है। अच्छा ठीक है, देख अभी मैं इसको खींचूंगा ना, फिर पूरी खींच जाएगी। चल ठीक है, इसके मैंने इसको पहनाया नहीं साइज, तो मुझे इतना ही चाहिए। दिखाइए ड्रेस में ब्लॉग में। वाओ गाइस, तो ये देख पकोड़े चेक कर। हाँ मैंने कहा तेरी नियत कल से लगी है भैया, ले जाओ कहीं मेरा पेट दर्द हो। यार जल्दी जल्दी इसका ढक्कन नहीं, छोटे वाले का ढक्कन लगा ला। जिंदगी एक सफर है। तेरे को पता है ममता, तेरे को पता है, सुन मेरे बाल सच में खराब हो गए कलर करा के, पता नहीं इसको नहीं बेड़ने में कितना टाइम लगता है। मैं कह रही हूँ भगवान जाने सारे बाल खराब करा लिए। आ जा ना बलाम जी मुआ दे बका। देखिए गाइज ये इयरिंग्स कैसे लग रहे हैं मस्त ना। यहाँ हर तरह के इयरिंग्स अवेलेबल है, ये मैं प्रमोशन कर रही हूँ, आप लोग आइए और परचेज कीजिए। देखिए मस्त झुमके, वाव आइए ऊपर तो देखिए, रुके यार वीडियो बना लेंगे, आप दिखा चल ट्राई करो, ट्राई कर। ये ममता अपने कानों में पहनते हुए झुमकों को अच्छा लग रहा है, पहले ही बोल दिया मैंने मल्टी कलर ही ले लिया हो तो अच्छा नहीं था यार, मल्टी कलर ना जाता मेरी ड्रेस पे। भैया मैं कल ले गई थी, मुझे मल्टी कलर दे दो चेंज करके प्लीज, ये देखो कितना अच्छा लग रहा है। हाँ भैया से मैं पूछ लूंगी, ठीक लग रहे हैं? हाँ अच्छा लग रहा है बहुत। मल्टी कलर लू की वही रहन दू अपने ड्रेस पे, पता चल तेरा पालूंगी, नहीं लेना हमने। तो गाइस शॉपिंग हो गई है मस्त वाली, आना का है हेयर बैंड एक्सेसरीज, क्या बंदा लग रहा चढ़ा के आया ना अभी। हां चढ़ा के आया, मुझे पता है। गाइस चंडीगढ़ का क्राउड देखिए, क्राउड ये देखिए, ये देखो एक अंकल कैसे लेटे बेचारे भुइयां में। आगे आना का डांस एकेडमी है इधर, ओ मटके की दुकान भी हमारे यहां, ओ माय गॉड। और दिखाओ ओ हनुमान मंदिर, बहुत बड़ा हनुमान है वो, बहुत बड़े हनुमान जी है सॉरी। और ये आना का डांस एकेडमी यहाँ पे है, ये रहा डांस। और क्या दिखाऊं आपको, और कुछ नहीं गाइस, ये फ्रूट की दुकान भी मिलते हैं फ्रूट। और गाइस सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट बात दिखाती हूँ, एक मिनट, जिसको भी खाना है यहाँ पे खाओ, कढ़ी चावल 30 रुपये हाफ और 60 रुपये का फुल, मस्त टेस्टी, और छोले चावल भी, और एक फ्रूट की दुकान है ये 50 का फुल है, 30 का हाफ ना, हाँ हाँ पता नहीं जो भी है खाया है बस मैंने। ये जूस की दुकान, अब चल रहे हम घर। तो गाइस मार्केट से घर आ चुके हैं और लाइट गई हुई है, बहुत गर्मी है और बाहर से आओ कहीं से लाइट हो तो कितना मजा आता है, सोचा पंखा चलाएंगे हवा लेंगे। अरे हाँ लाइट बंद तो रही है ना, बाहर खड़ा हुआ ना बड़ा सा वो क्रेन, आइए पानी दे रहे हैं, दो मेरा पानी, जल्दी प्यास लग रही है मेरे को, दो 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 दो, थैंक यू।